नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर लूप, और इसमें भी पहले सिंटैक्स फिर वर्किंग देखेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर, यहाँ पर सेमी कॉलन, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक दो और फिर सेमी कॉलन। इस तरीके से दो सेमी कॉलन इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पर कोड, बीच में भी कोड हो सकता है। ये तीनों ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, इस फर्स्ट ब्लॉक को कहते हैं इनिट ब्लॉक, यानी इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। यहां पर आता है हमारा बुलियन एक्सप्रेशन, यानी वो एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू आए या फॉल्स आए। यहां पर आता है आइट्रेशन, यानी जो आपको हर एक बार में रिपीट करना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहां पर प्लस प्लस, माइनस माइनस, आई इक्वल टू आई प्लस टू, ए इक्वल टू ए प्लस फाइव, इस तरह की वैल्यूज आप यहां पर देखेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर हमेशा यही आए, यहां पर आप कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं, जैसे इवन यहां पर एसओपी भी लिखा जा सकता है। हालांकि हम अभी इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ बेसिक लेवल कवर कर रहे हैं इस वाले ट्रेनिंग के अंदर। बाकी आप जो सर्टिफिकेशन वाली ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए इनिशियलाइजेशन, बुलियन एक्सप्रेशन एंड आइट्रेशन, और ये तीनों पार्ट ऑप्शनल हैं। तीनों पार्ट ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने बिना कुछ लिखे आपने इसे ऐसे भी छोड़ दिया तो ये लूप फिर भी चलेगा। इस लूप का मतलब है कि इनफाइनाइट चलेगा, ये लूप क्या चलेगा, अगर आपने विदाउट एनी कंडीशन इस तरीके से इसे पूरे को ब्लैंक छोड़ दिया तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा आपका। तो ये फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स है, एग्जांपल के साथ इसके वर्किंग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ फॉर लूप की। यहां पर लिखा फॉर और ये दो पार्टीशन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कोड यहां पर भी, यहां पर भी। मैंने यहां पर लिखा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर इंट आई इक्वल टू वन, यहां पर लिखा बुलियन एक्सप्रेशन आई लेस देन फाइव, यहां पर आइट्रेशन आई प्लस प्लस अभी के लिए लिख दिया मैंने, राइट। देखते हैं फ्लो किस तरीके से चलेगा। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, सबसे पहले कंट्रोल जाएगा यहां पर वेरी फर्स्ट टाइम। इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, यहां से, यहां से जाएगा इस वाली पोजीशन पे, बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा कि इसका रिजल्ट ट्रू आया या फॉल्स आया। मान लीजिए फॉल्स आ गया, अब क्या होगा, अगर फॉल्स आया होता तो कंट्रोल सीधा यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाता, लेकिन हमारे केस में आई की वैल्यू वन है, लेस देन फाइव है, यानी एक्सप्रेशन ट्रू है, तो कंट्रोल कहां जाएगा, कंट्रोल जाएगा इसके अंदर, कब, अगर ट्रू है तो। ट्रू होने के बाद इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जो भी कुछ दिया हुआ है वो सारा कुछ एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल यहां से शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, इस वाले ब्लॉक पर, यानी फर्स्ट यहां पर गया, सेकंड एक्सप्रेशन चेक किया और थर्ड नंबर पर उसने ये सारा एग्जीक्यूट किया और फोर्थ स्टेप पर ये वापस यहां पे चला गया। आई में इंक्रीमेंट हो गया, अगर मेमोरी की बात करूं तो आई में स्टार्टिंग में वन था, अब आई में हो गया टू। इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, कंट्रोल जाएगा यहां पर, ये फिफ्थ स्टेप हुआ। मान लीजिए क्या, आई की वैल्यू कितनी हो गई, टू है, तो टू लेस देन फाइव है, यस और नो, है तो क्या करेगा, है तो अंदर जाएगा वापस यहां पर, यहां से यहां पर अब कभी नहीं जाता, ये फर्स्ट टाइम सिर्फ यहां से यहां पर आएगा, उसके बाद अगर यहां से कंडीशन ट्रू है तो अंदर चला जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, यहां से वापस कंट्रोल यहां पे शिफ्ट होगा, आई की वैल्यू हो गई थ्री, थ्री से फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, हमारे केस में ट्रू है, तो फिर से कंट्रोल अंदर जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद
इसके बाद फिर से कंट्रोल यहां पे शिफ्ट होगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब आई की वैल्यू हो गई 4। फिर कंट्रोल कहां जाएगा? कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन 5 है, यस और नो? है, तो फिर से अंदर जाएगा, ये और ये एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद कंट्रोल फिर से यहां पर जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5। फिर कहां जाएगा? फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन 5 है, नहीं है। अब कंडीशन फॉल्स हुई, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट होकर के यहां पर और बाकी का कोड एग्जीक्यूट करेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपको कितना क्लियर है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चेक करता हूं। मैंने यहां पे लिखा 4 int i इक्वल टू 1 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, और यहां पे लिखा मैंने एसओपी i, यहां पे कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक। बताइए क्या आउटपुट आएगा? सॉरी, कितना? 3 या 4? श्योर करके बताइए, 3 या 4? अच्छा, चलिए मान लीजिए आपने 3 दिया या आपने 4 दिया, तो मैं आपको बता दूं आपके दोनों आंसर रॉन्ग है। ये आपको देगा कंपाइलेशन एरर। क्यों देगा? क्योंकि जो इंट आई आप यहां पर इनिशियलाइज करते हैं, इसका स्कोप बस यहां से यहां तक होता है, इसके बाहर आई का स्कोप नहीं होता। ये वेरिएबल नॉट फाउंड की आपको एरर देगा। क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन क्या हो इसका? अगर हमें आई बाहर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपको 2-3 सॉल्यूशन दूंगा, बट पहला सॉल्यूशन मैंने यहां से इंट आई को हटा दिया और इंट आई इक्वल टू 1 यहां पर दे दिया। अब ये आई इसके अंदर भी अवेलेबल होगा और इससे बाहर भी अवेलेबल होगा। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा? कितना? 2, 3? चलिए देख लेते हैं। आई इनिशियली कितना है? आई की वैल्यू है मेमोरी में 1। कंट्रोल यहां पर गया, यहां पर कुछ भी नहीं था तो सीधा यहां पे शिफ्ट हुआ। 1 लेस देन 3 है, अंदर गया, कुछ था नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए, कंट्रोल ऊपर गया, आई की वैल्यू हो गई 2। 2 लेस देन 3 है, फिर से अंदर जाएगा, यहां से फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 3। 3 लेस देन 3 है क्या? नहीं है, तो बाहर आ जाएगा और आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 3। क्लियर? यस और नो? चलिए एक मॉडिफिकेशन और करता हूं मैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने वहां पर दे दिया इंट आई और वैल्यू असाइन कर दी यहां पर, यह भी सेम रिजल्ट देगा आपको। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ आई की डिक्लेरेशन बाहर दी है, वैल्यू इनिशियलाइज यहीं पर की है। इसे मॉडिफाई करूंगा और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने यहां पे आई में दे दिया 3 और यहां पे दे दिया मैंने आई 4 और यहां पर दे दिया मैंने 5। अब बताइए क्या आउटपुट आएगा इसका? बताइए स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? कितना? 3, 5। आपका आंसर अगर 3 है तो रॉन्ग है, 5 है तो करेक्ट है। देख लेते हैं कैसे। आई की वैल्यू कितनी हुई स्टार्टिंग में? इनिशियली आई की वैल्यू थी 3। कंट्रोल यहां पे पहुंचा, उसी आई की, ये कोई नया आई नहीं है, उसी आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 4 लेस देन 5 था, अंदर गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 5 लेस देन 5 है क्या? नहीं है, तो कंट्रोल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू कितनी? 5। सो आउटपुट इज 5। आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो? गुड।